आर्मी और एयरफोर्स, और आपको आर्मी की मदद की जरूरत है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की मदद की जरूरत है, काइंडली कॉन्टैक्ट देम एंड सी व्हाट हेल्प दे कैन गिव यू। हिमालय राज्य उत्तराखंड में जो कि आपदाओं के दृष्टिगत बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर चार धाम यात्रा होनी है, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वैली में आते हैं, केदार वैली में आते हैं और तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा और USDMA उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है एक स्टेट लेवल का आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जहां पर चारधाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले तमाम जिलों में जो है वो अलग अलग तरह के डिजास्टर जो है वो वहां पर प्लान किया जा रहे हैं और ये परखा जा रहा है कि किस तरह से हमारे संसाधन काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह से हमारे तमाम प्रोटोकॉल जो है वो काम करते हैं। आज यहाँ पर जो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है कि जिस तरह से एक आपदा की स्थिति होती है और किस तरह से स्थिति से निपटा जाता है वो कोशिश की जा रही है, और उस पर किस तरह से हमारे जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस है किस तरह से कम्युनिकेशन है, तो इस तरह से पूरी चीज़ें जो है इंसिडेंट को किस तरह से हैंडल किया जाए वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उनको किया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग जिलों के लोग जो है वो किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनको यहाँ से कमांड दी जा रही है, तमाम इंसिडेंट को क्रिएट किया जा रहा है और उन इंसिडेंट पर अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि जो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मेजर जनरल बहल हैं वो सामने से डायरेक्शन दे रहे हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें बता रहे हैं। जी किससे बात करके मदद लें और क्या मदद दे सकते हैं वो आपको क्लियर में बताएंगे। उनको निकालने की जरूरत है तो आर्मी और एयरफोर्स, तो इस तरह से तमाम सिचुएशन क्रिएट की गई, और खुद हमारे साथ जो USDMA से और NDMA से अधिकारी मौजूद है। सर, सबसे पहले सिचुएशन की बात करूंगा, हमने देहरादून जनपद में जो है दो अर्थक्वेक की सिचुएशन क्रिएट करी, हमने कहीं पर जो है एक्सीडेंट की सिचुएशन क्रिएट करी, क्या कुछ सर पूरा जो भी हमने 20 जगहों पर सिचुएशन जो डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट किया, काफ़ी टाइमली रिस्पॉन्स रहा डिपार्टमेंट का, एजेंसीज का, और उस जो रिस्पॉन्स है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा और अच्छा हो सकता है, हमेशा अच्छे के लिए स्कोप तो रहता ही है, तो उसको और अच्छा करने की किया जा सकता है। थोड़ी कहीं कुछ कमी रही कोऑर्डिनेशन में और कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जा सकती है, ताकि अगर सैटेलाइट फ़ोन मोबाइल नेटवर्क सब डाउन हो गया तो हम किस तरह से वायरलेस को एक्टिवेट कर सकें, सीधा साइट पर बात कर सकें। कोऑर्डिनेशन में ये रहा कि कहीं पर डिस्ट्रिक्ट को पता नहीं है किससे बात करनी है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे ITBP अन्य एजेंसीज के साथ, तो उसमें उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, बाकी रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री रहा है। सर, आप SOPs की बात कर रहे थे, कई बार जो अधिकारी आपस में बात करते हैं तो वो कन्फ्यूजन होता है, किस तरह से आपने उसको देखिए हर जैसे सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे हेलीकॉप्टर अगर डिमांड करना है तो किससे बात करनी है, तो इसके लिए एक तो SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो स्टेट ने बना रखा है। ये ज़रूरी है कि सब अधिकारी जो इससे डील करते हैं उससे अवगत हों। दूसरा, जिससे बात करनी है उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, और वो आपकी मदद क्या कर सकता है, तो इन चीज़ों के लिए तालमेल की ज़रूरत होती है। जिसको अगर हम आपदा का समय, अगर लड़ाई का समय बोल दें, तो जब आपदा नहीं है तो पीस टाइम हो गया, तो पीस टाइम में ये कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सहूलियत, इसको फैसिलिटेट करने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर, आप देख रहे थे कि कई बार कम्युनिकेशन, जैसे कि हम देहरादून में ही देखा कि जो हमारे देहरादून के अधिकारी है उनका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो गई या फिर बैकअप प्लान हो गया, उसको लेकर के आपने काफ़ी उस चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। हाँ, देहरादून में जो अब देहरादून में जबकि सबसे अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन समहाउ ये होती है ऐसी चीज़ें, कई कई बार ऐसा नेटवर्क डाउन हो जाता है और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
तो इन चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। एक सर लास्ट सवाल ये कि क्या सीरियसली ले रहे हैं अधिकारी, क्योंकि किस तरह से हम मानते हैं ये मॉक ड्रिल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम उन अपने सेफ्टी चेक कर रहे हैं, तो क्या सीरियस ले रहे हैं सभी अधिकारी? देखिए अभी हम मॉक ड्रिल के बाद सब असेसमेंट करेंगे, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट का, किस साइट का, किस ऑफिसर का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा रहा, और ग्रेडिंग भी करेंगे। देन उनको हम फिर अलग से भी बात करेंगे कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, किनका रिस्पॉन्स थोड़ा कम अच्छा रहा है, किनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, तो वील डू द ग्रेडिंग। कई लोग जो है हवा में ले रहे हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं, इंसिडेंट का पता ही नहीं है बिल्कुल, वो उस चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं कि मॉक ड्रिल है तो नहीं। देखिए पता नहीं है तो बात कभी कभार उसी तरह से भी किया जाता है, मॉक ड्रिल का ही पर्पस होता है कि उनको कुछ पता नहीं, अचानक से उनको दे दिया गया सिचुएशन, तो ये ठीक है पता नहीं हुए, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा है वो हमें देखना है। तो इस तरह से केंद्रीय और राज्य के जो तमाम अधिकारी हैं वो मॉक ड्रिल का आयोजन जिस तरह से कर रहे हैं, स्टेट लेवल की मॉक ड्रिल है, और इसमें ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर हमारी जो कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा, और ताकि हकीकत में कोई सिचुएशन ऐसी आए तो वहाँ पर उससे निपटा जाए। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।